16 जून 2013 उत्तराखंड में धारी देवी जी के मंदिर को तोड़ दिया गया जिसके कुछ ही घंटों के बाद केदारनाथ में अचानक बादल फटा एवं सब कुछ तहस नहस हो गया 12 नवंबर 2023 उत्तराखंड में हुए टनल कोलैप्स की घटना को 10 दिन बीत चुके थे 41 श्रमिक जीवन मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे थे परन्तु उद्धार कार्य में किसी भी प्रकार का सफलता नहीं मिल पा रहा था बाईस नवम्बर दो भगवान वासुकी नाथ जी को टनल के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया और अचानक रेस्क्यूर्स को एक के बाद एक सफलता मिलने लगा क्या देव भूमि में हुए ये दोनों ही घटनाएं संयोग थे या दिव्य ऊर्जाओं के होने का प्रमाण जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो अपने आप दूर हो जाएगा फेक सोशल मीडिया अकाउंट से सावधान रहे मेरे सभी ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक प्रिंड कमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन एवं बायो में मिल जाएंगे हिमालय के गोद में बसा भारत के सबसे सुंदर राज्यों में से एक देवभूमि उत्तराखंड यहाँ के कण कण में देवताओं का वास है सतयुग से लेकर कलयुग तक अनेकों ऋषि मुनि साधु संत तथा महापुरुषों ने इस पवित्र भूमि पर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त किया एवं समस्त संसार में सनातन का संदेश पहुँचाया इसी भूमि पर बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री जैसे प्राचीन स्थल है जो की युगो युगों ऐसी सनातन के प्रमुख आस्था का केंद्र बने हुए हैं इतिहास प्रमाण है जब जब इन प्राचीन दिव्य धर्म स्थलों के साथ छेड़छाड़ किया गया विनाश निश्चित हुआ कहानी है 16 जून 2013 की अलखनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम जारी था इंजीनियर्स ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में धारी देवी जी का मंदिर बाधा बन रहा है इसीलिए उसे तुरंत हटाना पड़ेगा स्थानीय लोगों ने इसका भारी विरोध किया एवं सरकार को चेतावनी भी दे दिया की यदि मंदिर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो विनाश निश्चित है सरकार ने लोगों की बात को नजरअंदाज कर दिया एवं माँ धारी देवी जी के मंदिर को तोड़ दिया जिसके कुछ ही घंटों बाद केदारनाथ में अचानक बादल फटा एवं सब कुछ तहस नहस हो गया 2023 का केदारनाथ आपदा भारत के इतिहास में हुए सबसे भयंकर आपदाओं में से एक है जिसमे छह हजार से भी अधिक लोग मारे गए थे एवं लगभग पूरे के पूरे, के पूरे केदारनाथ अंचल का अस्तित्व समाप्त हो गया था समय बीता सरकार बदला एवं आज माँ धारी देवी जी का नया मंदिर उसी पुराने स्थान पर खड़ा है माँ धारी देवी जी के विग्रह को जीवित विग्रह माना जाता है क्योंकि दिन के अलग अलग समय पर मां अपना रूप बदलती रहती है कभी एक छोटी बच्ची का कभी एक जवान नारी का तो कभी एक वृद्ध महिला का 12 नवंबर 2023 के दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलकियारी टनल आंशिक रूप से कोलैप्स हो गया था इस घटना को 10 दिन बीत जाने के बाद भी अंदर फंसे 41 श्रमिक जीवन मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे थे फिर भी उद्धार कार्य में किसी भी प्रकार का सफलता नहीं मिल पा रहा था एनडीआरएफ आर्मी स्थानीय प्रशासन नाना प्रकार के प्रयास में लगे थे यूएसए से अत्याधुनिक यंत्रों को भी लाया गया इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आर्नोल्ड डिक्स को भी बुलाया गया परंतु उद्धार कार्य में किसी भी प्रकार का सफलता नहीं मिल पा रहा था अचानक दिल्ली में स्थित पी ऑफिस से एक फोन कॉल आता है और टनल के प्रवेश द्वार पर भगवान वासुकी नाथ जी को स्थापित करके पूजा करने का आदेश मिलता है टनल के निकट एक पहाड़ी पर विराजमान भगवान वासुकी नाथ जी को टनल के प्रवेश द्वार पर लाकर एक अस्थायी मंदिर बनाकर स्थापित किया गया आर्नोल्डिक्स समेत सभी रेस्क्यूअर्स इंजीनियर्स एवं कर्मचारी भगवान से गुहार लगाने लगे एवं कुछ ही घंटों बाद रेस्क्यूअर्स को एक के बाद एक सफलता मिलने लग गया उत्तरा खंड की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब से भगवान वासुकीनाथ इसी स्थान पर रहेंगे एवं जल्द ही उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण भी किया जाएगा माँ धारी देवी एवं भगवान वासुकीनाथ देव भूमि उत्तराखंड में हुए ये दोनों घटनाएं कुछ लोगों के लिए मात्र एक संयोग हो सकता है वही कुछ लोगों के लिए भगवान का प्रकोप एवं चमत्कार जो भी हो परंतु इस घटना से हमें ये सीख मिलता है कि चाहे हम कितना भी आधुनिक हो जाए चाहे हमारा विज्ञान कितना भी आगे निकल जाए हमें हमारे जड़ों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए सनातन इस सृष्टि का एकमात्र श्रेष्ठ धर्म है एवं उससे जुड़े परंपरा संस्कृति तथा आस्था के साथ किसी भी कीमत पर छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए वैदिक काल में पर्यावरण शांत सरल स्वच्छ था और आज के आधुनिक युग में वही पर्यावरण जहर बन चुका है वैदिक काल में भोजन सात्विक होता था और आज के आधुनिक युग में वही भोजन मृत्यु का कारण बन चुका है वैदिक काल में बच्चे वेद मंत्र शास्त्र का उच्चारण करना सीखते थे और आज के आधुनिक युग में बच्चे गाली देना रैप करना स्टाइलिश कपड़े पहनकर दिखावा करना रील्स बनाना सीखते है इन्ही कारणों से ही आज मनुष्य सभ्यता का अंत हमारे आँखों के सामने हो रहा है जिसका प्रमाण छह सौ वर्ष पंचसखाओं ने भविष्य मालिका के माध्यम से दिया था अब सही गलत का निर्णय स्वयं कीजिएगा क्या आप बता सकते हैं कि उत्तराखंड टनल कोलैप्स में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए कौन से मशीन का प्रयोग किया जा रहा है जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूंगा। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि राजा जनक जी को भूमि जोतने के समय जो कन्या मिली थी उनका नाम क्या है सही उत्तर है माता जानकी यानी माता सीता विजेता का नाम है स्टूडियो फोटो हंट हमारे परिवार ऐसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप भी इस परिवार का हिस्सा बने लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए जय जगन्नाथ जय पंचसखा, जय हिंद